नमस्कार दोस्तों, ये देखिए मेरा वेजिटेबल गार्डन। और यहाँ पर ये मेथी लगी हुई है और इस पर ये पीले कलर के फूल आ गए हैं। आज मैं अपनी जो ये छोटी छोटी मिर्ची है ना, इसको निकाल रही हूँ। इससे पूरा प्लांट भर गया है और मिर्ची का कलर भी चेंज हो गया। पर्पल कलर से कितने कलर बन गए हैं देखिए। और बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। मुझे बस अभी ये देखना है कि ये सर्दियों में इतनी मिर्ची देता है या गर्मियों में भी, क्योंकि मैंने अभी ये पहली बार लगाया है। और मिर्ची बहुत तीखी है ये दो मिर्ची ही डलती है सब्जी में, इतनी तेज है। छोटी है बट बहुत तीखी है, अच्छी लगती है गार्डन में। मैंने पहली बार इसको शामिल किया है। अभी तक तो मैं लंबे वाली लगाती थी जो हमारे यहाँ मिलती है, अब की बार ये भी लगाई है। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है, पूरा प्लांट भर रहा है। मैंने कितनी बार तो इससे निकाल लिया है, दर्जनों आ रही है। और गार्डन में कितना अच्छा लगता है ये देखिए। मैं सारी निकाल लेती हूँ, फिर से हो जाएगी। ये छोटा सा प्लांट है। और मिर्ची देखिए, हमें अपने गार्डन में सब्जियां लगानी चाहिए, जो भी लग सकती है वो। अच्छा लगता है गार्डन में ताजी ताजी सब्जियां मिले। कलर बदलने लग गई है, छोटी छोटी है ना, देखिए कितनी प्यारी लग रही है, टिंगू टिंगू सी। दोस्तों ये मेथी का प्लांट है और इस पर ये बीज बनने लग गए हैं। मेथी के फूल भी पीले होते हैं, मैं समझी ये सरसों के हैं, लेकिन वो दूसरी जगह लग रहे हैं, वो भी अभी दिखाती हूँ। मैंने ध्यान से देखा तो अब मुझे याद आया कि ये मेथी के हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पालक भी कितनी बार मैं निकाल चुकी हूँ, पालक तो मैं डेली निकाल रही हूँ अपने यहाँ से, ताजा ताजा पालक। कुछ भी बनाना होता है मैं तो यहीं से पालक लेके जाती हूँ, और मेथी भी। तो ये देखिए कितनी सारी मिर्ची निकली है एक ही प्लांट से है। अभी देखिए एक छोटे से प्लांट से मैंने कितनी सारी मिर्ची निकाल दी है, और बहुत ही तीखी। और दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे पालक, ये तो मैं डेली निकालती रहती हूँ। और ये हरा प्याज, ये भी बड़ा अच्छा हो रहा है, ये भी पानी की कमी से थोड़ा मुरझा गए हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे टमाटर भी पक गए हैं। चलो ये एक टमाटर भी ले लेती हूँ, ये पूरा टमाटरों का गुच्छा है, ये देखिए ये पक गया है, निकाल लेती हूँ एक बार। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह ये ताजी ताजी सब्जियां मिल जाती है निकालने को। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ से पालक निकाल दिया था, पूरा का पूरा मैंने ये साफ कर दिया था, लेकिन देखिए पालक फिर से हो गए, बड़ी खुशी मिलती है। और मैंने अभी देखा है यहाँ पे भी एक गोभी का फूल आ रहा है। देखिए कई सब्जियां मैं लगाकर भूल जाती हूँ, जब बाद में मुझे देखने को मिलता है ना तो मुझे अचानक लगता है कि ये भी मैंने लगाया था। तो देखिए हमारे यहाँ पालक लगाना चाहिए। और ये है सरसों, जिसको मैं वहां पे बोल रही थी, ये है। इसका फूल भी बिल्कुल मेथी के फूल के जैसे ही होता है। तो ओके दोस्तों, आप भी ढेर सारी वेजिटेबल्स अपने छत पे लगाइए, ग्रीनरी का मजा लीजिए। प्रेस प्रेस वेजिटेबल का।